अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.6 क्लास नाइन के मतलब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास कुछ इक्वेशंस दिए गए हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील करना है काफ़ी सिंपल काफ़ी ईजी सवाल है आपने बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है सिंपल तरीके से इसको करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म हमने पहले भी पढ़ा था कि जिनको ब्रैकेट लगा के हम करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म वो था पिछली वीडियोस में हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनाना सीखा था तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर हम करेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म को कैसे बनाया जाता है ठीक है सबसे पहले हम इस तरफ देखते हैं हम इसको पहले सिंपल आपकी आसानी के लिए पूरे इक्वेशन को ब्रैकेट डाल देते हैं ठीक है सेम टू सेम हम लिखते हैं टू एक्स माइनस वाई फिर लिखेंगे हम थ्री एक्स प्लस वाई ठीक है हमने ये लिखा इसको ब्रैकेट डाल दिया इस साइड से भी ब्रैकेट डाल दिया इज इक्वल टू देंगे सेम एज इट इज लिखेंगे सिर्फ इसमें हम ब्रैकेट्स ऐड कर देंगे ठीक है नेक्स्ट टाइम पे हम आपको बताते हैं कि हमने क्या करना है यहां पे हम लिखते हैं जो ये वाला हिस्सा है इसमें सिर्फ हमने नंबर्स अलग करने हैं नंबर्स मीन वन से लेके थाउजेंड अप टू लेख जो भी आगे आता है तो सिर्फ इनमें से हमने नंबर अलग करने हैं तो यहां पे हम अलग करेंगे टू जो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं मैथमेटिक्स में वन यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट्स लिखा गया हो वो वन के इक्वल होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस वन क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है वाई की जगह हम वन लिखेंगे ठीक है माइनस वन ये लिखा हमने यहाँ पे थ्री है तो थ्री सेम एज इट इज़ लिखेंगे प्लस वाई है तो सिर्फ वन ही लिखेंगे ठीक है यहाँ हमने ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया नेक्स्ट स्टेप में हमने एक और ब्रैकेट लगाना है इसमें हमने अल्फाबेट्स लिखने हैं तो इस पूरे हमारे मैट्रिक्स इस वाले हिस्से में हमारे पास अल्फाबेट्स कौन से हैं एक्स एंड वाई तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स एंड वाई ठीक है हमने ये लिखा इज़ इक्वल टू लगा देंगे ये वाला पोर्शन जो है इक्वल टू की उस तरफ वो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे हमारे पास आएगा ज़ीरो एंड फाइव ठीक है ये हमने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील कर दिया यही हमारा आंसर है काफी आसान है हमारे पास जो पार्ट टू है इसको भी सेम इज करते हैं यहाँ पे देखते जाइए पहले हम पहले इक्वेशन को पूरा ब्रैकेट फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्स एक्स माइनस टू वाई तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू एक्स माइनस फाइव वाई ठीक है ब्रैकेट हमने लगा दिया यहाँ पे ये रहा अगला ब्रैकेट यहां इज इक्वल टू की ठीक है ये रहा हमने पहला ब्रैकेट दूसरा लगा दिया अब हमने क्या करना था इस वाले हिस्से में सबसे पहले हमने नंबर्स को अलग करना था नंबर्स क्या है हमारे पास यहां पे ब्रैकेट लगाते हैं पहले नंबर्स हमारे पास है सिक्स माइनस टू हमारे पास क्या है टू एंड माइनस फाइव ठीक है ये हमने लगा दिया अब क्या करना है हमने अल्फाबेट्स को अलग करना है अल्फाबेट्स हमारे पास फिर क्या है एक्स एंड वाई ठीक है एक ही दफ़ा हम लिखेंगे एक्स एंड वाई ये हमने लिखा इज इक्वल टू लगा देंगे वो वाला सेम इज इट इज़ हम यहां पर पुट कर देंगे फाइव एंड फोर तो ये भी हमारे पास इक्वेशन जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में बन गया पार्ट थर्ड भी हमारे पास दिया गया है वही इक्वेशन है हमने इसको मैट्रिक फॉर्म में तब्दील करना है सेम उसी तरह करेंगे सबसे पहले हम पूरे को ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे देखते जाइए वन अपॉन टू एक्स प्लस सेवन अपॉन टू वाई ठीक है वन अपॉन फाइव एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर वाई ठीक है यहाँ पे इक्वल टू था वन अपॉन टू यहाँ पे था इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर ठीक है यहाँ पर हम ब्रैकेट डाल देंगे इसको पूरी को यहाँ भी हमने ब्रैकेट डाल दिया और इज इक्वल टू किस तरफ भी हम ब्रैकेट डाल देते हैं ठीक है नेक्स्ट स्टेप ऊपर करते हैं अब हमने क्या करना था इस इनमें से जो नंबर है वो अलग करने हैं सबसे पहले इस वाले साइड से नंबर अलग करते हैं। देखते जाइए हमारे पास क्या है वन अपॉन टू लगाते हैं वन अपॉन टू इस साइड पे क्या है सेवन अपॉन टू सेवन अपॉन टू वन अपॉन फाइव वन अपॉन फाइव यहाँ पे हमारे पास है माइनस थ्री अपॉन फोर माइनस थ्री अपॉन फोर ठीक है ब्रेकेट क्लोज हो गया अब जो इनमें से अल्फाबेट्स है वो अलग करने हैं यहां पे हम अल्फाबेट्स अलग करते हैं हमारे पास क्या है एक्स एंड वाई वो हमने अलग कर दिए इज इक्वल टू लगा दिया इज इक्वल टू के इस तरफ जो है वो सेम एज इट इज लिखा जाएगा one upon two. One upon two. और नेक्स्ट है ठीक है ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास कुछ इस शक्ल में है यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन गिव रीज़न इफ़ solution इज नॉट पॉसिबल हमारे पास क्वेश्चन इस इक्वेशन की शक्ल में दिया गया है हमने सॉल्व करना है पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले इसके मैट्रिक्स को फॉर्म में ले आएंगे इस इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में ले आना है उसके बाद हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे अगर डिटर्मिनेंट एक ज़ीरो के इक्वल हुआ तो ये आगे पॉसिबल नहीं है और अगर डिटर्मिनंट का आंसर अनइक्वल टू ज़ीरो आया तो ये क्वेश्चन आगे हल हो सकता है काफ़ी आसान है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरह ठीक है सेम वही तरीका का कि सबसे पहले मैं आपको इस वाले पूरे इक्वेशन को हम ब्रैकेट डाल देते हैं x माइनस टू वाई ठीक है ये हमने ब्रैकेट डाल दिया आगे करते हैं सिक्स अपॉन्ट सिक्स और सेवन सॉरी अब हमने क्या करना है इस वाले साइड में सिर्फ नंबर्स अलग करना है ठीक है नंबर्स कैसे अलग करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे फोर थ्री वन किसी भी अल्फेबिट्स की जगह उसके किसके इक्वल होता है वन के ठीक है और यहाँ पे माइनस टू ये हमने लिखा ब्रेकेट क्लोज कर दिया आगे हमने क्या करना है जो अल्फाबेट्स है वो लिखने हैं एक्स अपॉन वाई ठीक है ये हमने लिखा इज इक्वल टू सिक्स एंड सेवन सेम एज इट इज लिख लेंगे हम ये रहा हमारे पास अब हमने क्या करना है इसको हमने नाम देने हैं नाम कैसे देंगे हमारे पास ये किसके इक्वल है ये है ए के एक्स इज इक्वल टू बी ठीक है ये हमने इसके इक्वल लिया है आगे, आगे आपको ये वाला जो है मैं समझाऊंगा बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना अब हमारे पास ये आंसर आया अब हमने क्या करना है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है ए का ठीक है ये हमारे पास ए है ऊपर ये एक्स है और ये बी है तो एक डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना था ए के साथ दो स्ट्रेट लाइंस ठीक है इज इक्वल टू ब्रैकेट खत्म करके दो स्ट्रेट लाइन लगाने थे हमने फोर थ्री वन सेम एज इट इज लिखेंगे माइनस टू ठीक है ये रहा अब हमने क्या करना है डिटर्मिनेंट में ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ठीक है यहाँ पर हम लिखेंगे ए दो स्ट्रेट लाइन्स के साथ इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस टू बीच में साइन माइनस का वन मल्टीप्लाई बाय थ्री ठीक है ये रहा हमारे पास आगे हल करते इसको हमारे पास क्या है ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू फोर टू आर फोर मल्टीप्लाई बाय टू हमारे पास कौन सा आता है एट साइन माइनस का लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस टू है ठीक है आगे हमारे पास माइनस है थ्री वनजार थ्री ठीक है इनको आपस में ऐड करते हैं क्या आता है हमारे पास ए दो स्ट्रेट लाइन के साथ हमारे पास क्या आता है माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का ही रहेगा हमारे पास अलेवन आया जो कि इक्वल टू है जीरो के तो ये हमारे पास आगे जो है हल करना पॉसिबल है ठीक है यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा काफी आसान है यहाँ पे हम लिखेंगे सो इन्वर्जन इज पॉसिबल सो इन्वर्जन इज पॉसिबल ठीक है ये हमने लिखा अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है मैंने आपको बताया था एड ज्वाइंट किसका फाइंड आउट करेंगे A का ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू ए का जो मैट्रिक्स है हमारे पास कौन सा है ये रहा यहां पे हम लिखते हैं हमारे पास क्या है ए का सॉरी ये रहा फोर एंड वन थ्री एंड माइनस टू ठीक है नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं पूरा एडज्वाइंट निकालते हैं एडज्वाइंट का तरीका मैंने आपको बताया था एड डॉट ए इज इक्वल टू एड करते हैं एडज्वाइट में मैंने आपको बताया था ये जो दो नंबर्स है ये अपने पोजिशन चेंज कर देंगे फोर जो है ऊपर है वो नीचे चला जाएगा माइनस टू जो है वो नीचे वो ऊपर चला जाएगा ठीक है माइनस टू नीचे था ऊपर आ गया फोर ऊपर था वो नीचे चला गया ठीक है यहाँ पे हमने लिख लिया और जो बाकी ये वाले दो नंबर्स हैं, ये अपने साइंस चेंज कर देंगे अगर पॉजिटिव थे तो नेगेटिव हो जाएंगे नेगेटिव थे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे या भी हमारे पास पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव कर देंगे माइनस वन एंड माइनस थ्री ठीक है ब्रेकेट हमने क्लोज कर दिया ये हमारे पास एड आ गया फार्मूला आपको याद होना चाहिए फार्मूला हमारे पास क्या था फार्मूला हम लिखते हैं फार्मूला हमारे पास था a माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट जो था ठीक है डॉट एट ज्वाइंट ए ये हमारे पास फार्मूला था अब इस फार्मूले में ये जो हमने चीज़ें निकाली थी ये तमाम इसमें फिट कर देंगे ठीक है देखते जाइए हम क्या करते हैं a माइनस वन लिखेंगे a माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए हमने क्या निकाला था हमारे पास माइनस अलेवन आया था आंसर ठीक है तो यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस अलेवन ये लिखा हमने एडजॉइंट ए का आंसर किया था हमारे पास एडजॉइंट ए का आंसर हमने ये निकाला तो ये यहाँ पे हमने फिट कर देना है ठीक है हम लिखेंगे माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन एंड फोर ठीक है तो हमने फार्मूला में तमाम वैल्यूज पुट अप कर दी अब हमने आगे क्या करना है ये वाला जो ये हमने लिखा था ए एक्स एंड बी अब इसका काम यहां पे आएगा ठीक है यहां पे हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू बी ठीक है ये फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा अब ये जब ए इज इक्वल टू की इस तरफ आएगा तो ये ए पॉजिटिव है तो वहाँ जाके क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे लिखा जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस वन एंड बी अभी आप, हाँ, आप कहेंगे कि ए आपने पहले क्यों लिखा ए इसलिए पहले लिखा कि अल्फाबेटिकल ए, ए जो है वो बी से पहले आता है तो इसलिए हमने ए पहले लिखा और बी बाद में लिखा हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन गया ठीक है इक्वेजन ये हमारे पास बन गया अब हमने इसमें वैल्यूज पुटअप कर देनी है ठीक है हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स एक्स सॉरी एक्स हमारे पास क्या है ये रहा एक्स ये रहा तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स अपॉन वाई ठीक है ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया इज इक्वल टू ए माइनस वन हमने अभी डिटर्मिनाइट फाइंड आउट किया वो क्या था हमारे पास ये रहा ए माइनस वन की वैल्यू ये रही तो हम यहां पे ये पूरा यहां पे पुट कर देंगे हमारे पास क्या है वन अपॉन माइनस अलेवन ब्रेकेट माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री एंड फोर ठीक है ये हमने तमाम वैल्यू पुट कर दी इसके बाद हमारे पास क्या है बी बी हमारे पास ये रहा अब ये वाला वहां पे हम पुट अप कर देंगे बी हम लिखेंगे सिक्स एंड सेवन तो इस तरह हमारा फार्मूला कंप्लीट हुआ यहाँ पे देखें x हमारे पास ये रहा तो हमने यह पुट कर दिया इज इक्वल टू ए माइनस वन ए माइनस वन ये रहा तो ये पूरी वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे लगा दी उसके बाद हमारे पास क्या था b, b हमारे पास ये रहा था जो ये उठा के हमने यहाँ पे कर दिया अब हमने क्या करना है जो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसको हमने मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूले में पुट करने के बाद अब हमने ये और ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो बकाया हम सेम एज इट इज़ लिखते हैं हमारे पास क्या है एक्स एंड वाई ब्रैकेट हमने लगा दिया इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस अलेवन ये जो रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा ठीक है माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स ठीक है बीच में साइन कौन सा लगेगा प्लस का हमारे पास नेक्स्ट क्या है माइनस थ्री अपॉन सेवन आएगा माइनस थ्री मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई बाई सेवन मैम अपॉन बोल गया माइनस वन मल्टीप्लाई बाई सिक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाई सिक्स फोर मल्टीप्लाई बाई सेवन बीच में साइन प्लस का है फोर मल्टीप्लाई बाई सेवन ठीक है ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है देखते हैं लिखते हैं एक्स अपो एक्स एंड वाई इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस अलेवन ठीक है ब्रेकेट हमने लगा दिया सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू हमारे पास क्या आता है माइनस ट्वेल्व ठीक है माइनस ले लगाए यहाँ पे माइनस है माइनस प्लस माइनस सेवन थ्री सेवन मल्टीप्लाई बाई थ्री कितने हुए हमारे पास ट्वेंटी वन ये रहे हमारे पास ट्वेंटी वन वन मल्टीप्लाई बाई सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स क्यू आया क्योंकि यहां पे माइनस लगा है ठीक है बीच में साइन कौन सा है प्लस का सेवन फोर सेवन मल्टीप्लाई बाई फोर कितने करते हैं इनको आपस में माइनस और प्लस करते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है देखते हैं एक्स एंड वाई ये हमने एज इट इज लिखा वन अपॉन माइनस 11 ब्रैकेट डाल दिया हमने माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं मगर साइन माइनस का लगेगा 21 माइनस 21 प्लस 12 कितने हुए हमारे पास 33 कितने हुए 33 मगर साइन माइनस का लगेगा ठीक है और 28 में से 6 माइनस कर दे हमारे पास क्या आ जाओ आंसर आएगा 22 22 हमने लिख लिया ठीक है अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं मैं x एंड y हमने लिखा इज इक्वल टू ये जो माइनस अलेवन है वो अंदर जाके दोनों के साथ अब डिवाइड होगा ठीक है हम यहां पे लिखते हैं थर्टी थ्री डिवाइडेड बाय माइनस अलेवन ठीक है और ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाय माइनस अलेवन सॉरी ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया ब्रैकेट ये रहा हमारे पास अब हम क्या करेंगे अलेवन जा, जा वन जार अलेवन थ्री जी थ्री अलेवन वनजार अलेवन टू ज ट्वेंटी टू ठीक है तो ये रहा हमारे पास हमारे पास आंसर क्या आया देखते हैं x एंड y ये ब्रैकेट डाल दिया हमने इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास आंसर थ्री अपॉन माइनस टू सॉरी थ्री माइनस टू ये हमारे पास आंसर आया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू थ्री एंड y इज इक्वल टू माइनस टू तो यह हमारे पास आंसर था पार्ट सेकेंड हमारे पास सेम उसी तरह है सबसे पहले हमें हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील करना है क्या करना है हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं फाइव एक्स प्लस वाई ठीक है सेम इज इट इज इक्वेशन को लिखते हैं माइनस टू वाई हमने इसमें क्या ऐड कर दिया ब्रेकिट ऐड कर दिया ठीक है यहां पे लिखते हैं ब्रैकेट डाल के माइनस एट माइनस सेवनटीन ठीक है हमने इसमें ब्रैकेट डाल दिया नेक्स्ट अब हमने क्या करना है जो तमाम नंबर्स है उनको अलग कर देना है ठीक है ब्रैकेट डाल के यहां पे सबसे पहले फाइव एल्फेबिट की जगह वन आएगा पॉजिटिव वन है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है एक्स की जगह वन ठीक है एंड माइनस टू हमारे पास रहा अब हमने क्या करना है एल्फेबिट्स यहाँ पे लिखने अल्फाबेट्स क्या है हमारे पास एक्स एंड वाई ठीक है ब्रेकिट क्लोज इज इक्वल टू हमारे पास नेक्स्ट क्या है ये वाला सेम एज इट इज लिया है माइनस एट एंड माइनस सेवनटीन ठीक है ये हमने सेम एज इट इज लिख लिया तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया अब हमने क्या करना है इसको नेम देने हैं नेम कैसे देंगे हम यहां पे लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू बी ठीक है ये हमारे पास आए अब हमने क्या करना है ये जो ए है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं यहाँ पे मैं लिखूंगा ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू तो ए क्या है हमारे पास ये जो ऊपर वाला है ब्रैकेट को खत्म करके स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा फाइव वन वन एंड माइनस टू ठीक है ये हमने स्ट्रेट लाइन लगा दिया डिटर्मिनेंट का तरीका क्या था यहाँ पे देखते हैं ए दो स्ट्रेट लाइन्स के साथ इज इक्वल टू ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या है फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस टू बीच में साइन माइनस का ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हम यहाँ पे लिखेंगे वन मल्टीप्लाई बाय वन ठीक है हमारे पास क्या आता है ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू फाइव टू जार टेन मगर साइन कौन सा लगेगा माइनस का क्योंकि यहाँ पे माइनस है आगे माइनस लिखेंगे वन मल्टीप्लाई बाई वन वन आता है हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ माइनस 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 आपस में प्लस होते हैं मगर साइन कौन सा लगेगा माइनस का ये रहा माइनस अलेवन विच इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये अब हम यहाँ पे लिखेंगे सो इनवर्स इज पॉसिबल सो इनवर्स इज पॉसिबल अब हमने एडज्वाइंट फाइंड आउट करना है एड ज्वाइंट का तरीका क्या था यहां पे लिखेंगे a dot a is equal to, a जो हमारे पास ब्रैकेट है ए हमारे पास ये रहा तो यहां पे पहले हम लिखते हैं फाइव वन वन माइनस टू ठीक है नेक्स्ट में देखते जाइए क्या है हमारे पास ये वाले जो नंबर है ये अपने पोजीशन चेंज कर देंगे फाइव ऊपर है वो नीचे चला जाएगा और जो माइनस टू नीचे है वो ऊपर चला ऊपर आएगा ठीक है माइनस टू ऊपर ले आया फाइव नीचे गया और ये वाले जो नंबर है ये अपने साइंस चेंज करेंगे ठीक है पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ पे हम माइनस वन एंड माइनस वन ठीक है ये हमारे पास क्या आया एड ए का आंसर अब हम फार्मूला लिखते हैं फार्मूला क्या आता है हमारे पास फार्मूला क्या है ए माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ठीक है ए दो स्टेट लाइन के साथ डॉट एट ज्वाइंट ए ये हमारे पास फार्मूला है अब इस फार्मूले में हम तमाम वैल्यूज अप कर देंगे ठीक है हमारे पास फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा कैसे देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस वन इज इक्वल टू वन डिटर्मिनेंट फाइट किया आउट किया था हमने हमारे पास क्या है माइनस अलेवन माइनस अलेवन हमने लिखा नेक्स्ट हमारे पास क्या है एडजॉइंट एडजॉइंट हमने डिटर्मिनें डिटरमाइंट किया था एडजॉइंट का आंसर हमारे पास ये रहा यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस टू माइनस वन माइनस वन और क्या है हमारे पास फाइव ठीक है ये हमने लिख लिया हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हुआ ठीक है अब हमने क्या करना है ये वाला जो फॉर्मूला है यहां पे लिखना है हमारे पास क्या है वी नो दैट हम ये लिखेंगे वी नो दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी अब ये ए इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए तो यहां पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ए माइनस वन एंड बी ठीक है ये हमारे पास फॉर्मूला रहा अब इस फॉर्मूले में ये तमाम वैल्यूज हमने पुट अप कर देनी है हमारे पास फॉर्मूला क्या था एक्स इज इक्वल टू ए माइनस वन एंड बी ठीक है अब तमाम में हम जो तमाम नंबर्स हैं अल्फाबेट से इनमें हमने अपने वैल्यूज़ पुट कर देने x हमारे पास क्या था x अपॉन वाई ठीक है ये रहा हमारे पास ए माइनस वन की वैल्यू हमारे पास क्या थी वन अपॉन माइनस अलेवन ब्रेकेट ठीक है ब्रेकेट में क्या था हमारे पास माइनस टू माइनस वन माइनस वन एंड फाइव ठीक है ये हमारे पास ए माइनस ए माइनस वन की वैल्यू थी अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या थी बी हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस एट माइनस सेवनटीन ठीक है ये हमने लिख लिया अब हमने इन दोनों जो मैट्रिक्स है अब हमने इन दोनों आपस को मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में यहां पे लिखेंगे एक्स अपॉन वाई ये ब्रेकेट डाल दिया हमने वन अपॉन माइनस अलेवन ब्रेकेट डाल दिया अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कैसे करेंगे माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस एट ठीक है बीच में साइन क्या लगेगा प्लस का माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस सेवनटीन ये रहा हमारे पास हमारे पास क्या है नीचे माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस एट बीच में साइन प्लस का फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस सेवनटीन ब्रेकेट हमने क्लोज कर दिया नीचे देखते जाए हम लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस अलेवन ब्रेकिट टू मल्टीप्लाई बाई एट माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस हो जाता है टू मल्टीप्लाई बाई एट सिक्सटीन ठीक है माइनस माइनस प्लस तो ये हमारे पास क्या आएगा प्लस सेवनटीन जा सेवनटीन ठीक है वन मल्टीप्लाई बाई एट माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस तो वन मल्टीप्लाई बाई एट एट हो जाता है माइनस प्लस माइनस ये रहा हमारे पास सेवन फाइव मल्टीप्लाई बाय सेवनटीन कितने होते हैं हमारे पास सेवन फाइव जहा थर्टी फाइव फाइव लिखा हमने फाइव वन जो एट्टी फाइव हमारे पास क्या आया आंसर तो ये हमने लिख लिया अब हमने इनको आपस में माइनस कर देना है हम यहाँ पे लिखेंगे x एंड y ये हमने लिखा इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस अलेवन ये लिखा 16 और सेवनटीन आपस में मल्टीप्लाई प्लस हुए तो कितने हुए हमारे पास थर्टी थ्री एटी फाइव में एट गए माइनस एटी फाइव में एट गए कितने हुए हमारे पास सेवनटी सेवन बच गए ठीक है कितने माइनस सेवनटी सेवन ये रहा हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे एक्स एंड वाई ये हमने लिखा इज इक्वल टू ये जो माइनस अलेवन है अंदर जाके दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा ठीक है यहाँ पे हम ये लिखा थर्टी थ्री अपॉन माइनस अलेवन और ये माइनस सेवनटी सेवन अपॉन ठीक है थर्टी वन वन जटी अलेवन वन जलेवन थ्री जटी थ्री अलेवन वन जा अलेवन सेवन जा, 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 जा तो ये हमारे पास आंसर क्या आया हमारे पास आंसर आया x इज इक्ल टू थ्री वाई इज इक्ल टू माइनस सॉरी ये माइनस थ्री था और x इज वाई इज इक्वल टू सेवन तो ये हमारे पास पार्ट टू का भी आंसर आ गया